हेलो फ्रेंड्स, आज मैं मैदे से बहुत ही यूनिक रेसिपी बनाने जा रही हूँ जो बहुत ही नई है, आप लोगों ने कभी खाया नहीं होगा। गोल फारा बनाने के लिए मैंने ले लिया है 2 प्याज, 1 टमाटर, धनिया, मैगी मसाला, मिर्ची, कड़ी पत्ता और राई। और ये मैंने 1 कप मैदा लिया है। 1 कप मैदा को हम पहले सान लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, इसको मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही न्यू रेसिपी है फ्रेंड्स। इसको ऐसे थोड़ा थोड़ा करके सानते रहेंगे। अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स कर लेंगे। ऐसे ऐसे करके अच्छे से इसका एक डो बना लेंगे। अच्छा सा झटपट बन जाने वाला नाश्ता है फ्रेंड, बहुत ही जल्दी बनता है। ये डो हमारा रेडी हो चुका है। अब इसको गोल गोल करेंगे। अब प्लेट रख लेते हैं। अब इसको ऐसे गोल गोल करेंगे। बहुत ही यूनिक नाश्ता है फ्रेंड्स, बहुत ही न्यू तरीके से बना रही हूँ मैं। सारे मैदे को राउंड राउंड कर लेंगे। अभी हमारा सब राउंड मैंने कर लिया है। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस मैंने जला के इसके ऊपर पैन रख लिया है फ्रेंड पहले से। अब इसमें पानी डालेंगे। पानी में 1 चम्मच तेल डालेंगे। इसको ढक देती हूँ मैं फ्रेंड्स, ढकने से वो जल्दी उबाल आ जाएगा। पानी हमारा गर्म हो चुका है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। अब इसमें सारी लोइयाँ डालेंगे। अब इसको ढक देती हूँ। जब तक ये हमारा उबल रहा है फ्रेंड्स, तब तक हम मसाला रेडी कर लेते हैं। कांदा काट लेते हैं बारीक बारीक। टमाटर भी बारीक बारीक काट लेते हैं। टमाटर काट लिया मैंने। मिर्ची काट लेते हैं। धनिया भी बारीक बारीक काट लेते हैं। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स उबल चुका है कि नहीं। ये हमारा अच्छे से उबल चुका है, अच्छे से पक चुका है। सारे मैंने निकाल लिए हैं। पैन रख लेते हैं फ्रेंड। अभी पैन को अच्छे से गर्म हो जाने देते हैं। पैन गर्म हो चुका है फ्रेंड्स। 2 चम्मच के लगभग तेल डालेंगे। मैं अंदाज से डाल रही हूँ। अब तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें डालेंगे सरसों। फिर
सरसों हमारी चटक गई है, अब इसमें कड़ी पत्ता डालेंगे। अब इसमें बारीक कटी हुई मिर्ची डालेंगे। अब जो कांदा काटे थे ना वो डालेंगे इसमें। अब इसमें टमाटर डालेंगे फ्रेंड्स, जो मैंने काट के रखा था ना वो। अब इसमें मैगी मसाला डाल देंगे। इसमें मैं नमक नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैगी के मसाले में नमक होता है, अगर आप ज़्यादा बना रहे हो तो नमक डाल सकते हैं। इसको ढक देती हूँ टमाटर गलने तक। अब देखते हैं टमाटर गल चुके हैं फ्रेंड अच्छे से। अब इसमें डालेंगे, अब इसको चलाएंगे। अब इसको ढक देंगे, एक मिनट के लिए ढक देंगे। ये रेसिपी हमारी बन के रेडी हो चुकी है फ्रेंड्स। चलिए इसको सर्व कर लेते हैं। एक प्लेट में मैं निकाल लेती हूँ और आप लोग को दिखाती हूँ। मैदे का गोलफारा रेसिपी फ्रेंड बन के रेडी हो चुका है। आप लोग भी ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा है खाने में।